नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 3, जो कि है प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। इस चैप्टर के कुछ टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए हैं। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे होंगे तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये कोशिश अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। तो आज के इस लेक्चर में आज का हमारा टॉपिक है डिस्पेंसिंग एरर्स। डिस्पेंसिंग एरर्स के बारे में देखेंगे। डिस्पेंसिंग एरर्स मतलब जब हम पेशेंट को मेडिसिन देते हैं उस टाइम से हमसे कुछ गलतियां हो जाती हैं, उनको ही हम बोलते हैं डिस्पेंसिंग एरर्स। तो ये डिस्पेंसिंग एरर किस तरीके से होते हैं, इनकी डेफिनेशन क्या होती है, किस वजह से ये होते हैं, ये सब हम यहाँ पर देखेंगे। अ डिस्पेंसिंग एरर इज अ डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द प्रिस्क्रिप्शन एंड द मेडिसिन दैट द फार्मेसी डिलीवर्स टू द पेशेंट। तो डिस्पेंसिंग एरर ये क्या है, ये डिस्क्रिपेंसी है। डिस्क्रिपेंसी मतलब डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस। डिस्क्रिपेंसी मतलब ये एक डिफरेंस है बिटवीन प्रिस्क्रिप्शन एंड द मेडिसिन दैट फार्मेसी डिलीवर्स टू द पेशेंट। मतलब प्रिस्क्रिप्शन में जो मेडिसिन लिखी गई है वो, और जो मेडिसिन फार्मेसी पेशेंट को डिलीवर करता है, पेशेंट को देता है, वो मेडिसिन, उन दोनों में डिफरेंस रहता है, उन दोनों में डिफरेंस रहता है, उन दोनों में डिस्क्रिपेंसी होती है। तो उसी को हम बोलते हैं डिस्पेंसिंग एरर्स। मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जो फार्मेसी है वो गलत मेडिसिन पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रही है, जो प्रिस्क्रिप्शन में लिख के दी है वो मेडिसिन ना देके उसकी जगह कोई डिफरेंट मेडिसिन जो है वो पेशेंट को डिलीवर की जा रही है, इसको हम बोलते हैं डिस्पेंसिंग एरर। तो ये डेफिनेशन हो गई डिस्पेंसिंग एरर की। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कॉजेज ऑफ डिस्पेंसिंग एरर, क्या कॉज है, क्या रीजंस है डिस्पेंसिंग एरर्स के, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है वर्क एनवायरनमेंट। तो जो हमारा वर्किंग एनवायरनमेंट है, फार्म का जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, उसकी वजह से भी कुछ एरर्स हो सकते हैं। तो किस तरीके से हो सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहला है हाई वर्कलोड। हाई वर्कलोड मतलब ज़्यादा वर्क होना, उस फार्मासिस्ट पे बहुत ज़्यादा वर्क का लोड है। मतलब उसको प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिंस भी डिस्पेंस करनी है, साथ में जो कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में डाटा ऐड करते हैं वो भी करना है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट सब। अगर एक अकेला फार्मासिस्ट पूरा संभाल रहा है तो उसके ऊपर ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है। तो इस तरीके का अगर हाई वर्कलोड है तो उस कंडीशन में जल्दी जल्दी में क्या होता है, गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में। जैसे कि कोई सिमिलर ड्रग हो गए, जल्दी जल्दी में हम मेडिसिन दे रहे हैं तो प्रेडनिसोन की जगह प्रेडनिसोलोन दे दिया उठा के, तो ऐसी गलतियाँ होती है। तो जैसे हाई वर्कलोड, ये एक एग्जांपल हो गया, हाई वर्कलोड की वजह से भी एरर हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है लो स्टाफिंग। लो स्टाफिंग भी एक इसी तरीके का है। हाई वर्कलोड किसकी वजह से होता है, आपके पास सफिशियंट स्टाफ नहीं है, इसकी वजह से। सफिशियंट आपके पास काम करने वाले जो स्टूडेंट्स है या फिर आपके पास जो भी काम करते हैं ऐसे पर्सन नहीं है, उसकी वजह से, आपके पास प्रॉपर स्टाफ नहीं है, इसकी वजह से भी वर्कलोड इंक्रीज होता है। तो जैसे बहुत सारे पेशेंट आपके फार्मेसी में आते हैं और फार्मेसी को चलाने वाले आप अकेले हैं वहाँ पर, समझिए कि आपके फार्मेसी में बहुत सारे पेशेंट आए हुए हैं, आप हर एक को प्रिस्क्रिप्शन जो मेडिसिन है वो डिस्पेंस कर रहे हो, उनका डाटा कंप्यूटर में एंटर कर रहे हो, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो पेशेंट होते हैं वो बोलते हैं कि हमें दीजिए, पहले हमें दीजिए, हमें जल्दी जाना है, ऐसे करके बोलते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप जल्दी जल्दी मेडिसिन जो है वो डिस्पेंस करते हो, जल्दी जल्दी डाटा जो है वो एंटर करते हो, तो आप उस समय बहुत क्विकली काम करते हो, तो उसकी वजह से फिर वहाँ पर आपकी से मिस्टेक हो सकती है। तो इस तरीके से डिस्पेंसिंग एरर हो सकती है। देन नेक्स्ट है डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन मतलब किस तरीके के डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, जैसे आप काम कर रहे हो फार्मेसी में और आपका फ़ोन वहाँ पर 10 बार बज रहा है, आपको वो भी इम्पॉर्टेंट कॉल आ रहा है, आपको वो भी उठाना ज़रूरी है, तो आप उस पर भी ध्यान दे रहे हो और पेशेंट को मेडिसिन भी डिस्पेंस कर रहे हो, तो उस समय क्या होता है, हम एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पाते, एक चीज़ पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते प्रॉपरली, जिसकी वजह से फिर हमारे हाथ से कोई ना कोई गलती हो ही जाती है। तो इस तरीके से ये एक रीज़न हो गया। देन नेक्स्ट है नॉइज़। आपके आसपास सराउंडिंग एरिया में बहुत ज़्यादा नॉइज़ है, तो उसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, उसकी वजह से आप कंफ्यूज हो रहे हो, तो इस कंडीशन में भी एरर्स हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है प्रोटोकॉल्स नॉट फॉलोज। अगर आप प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर रहे हैं, जिस तरीके से प्रोटोकॉल बताए गए हैं, इस तरीके से ये रीजंस होते हैं डिस्पेंसिंग
एरर के। देन नेक्स्ट है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में किस तरीके से हो सकते हैं एरर्स वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला है लुक अलाइक और साउंड अलाइक ड्रग नेम। तो लुक अलाइक और साउंड अलाइक ड्रग नेम मतलब कोई ड्रग्स होते हैं जो कि उनके नाम सेम होते हैं या फिर जो मेडिसिन है उनके कंटेनर हो गए तो वो एकदम सेम सेम दिखते हैं। तो ऐसे ड्रग में आप कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे एग्जांपल में प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन साउंड अलाइक ड्रग है, मतलब उनका नाम देखिए आप, प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन दोनों का नाम जो है वो एक जैसा ही थोड़ा बहुत आ रहा है। तो अगर कोई पेशेंट है आपको बोले प्रेडनिसोन और आप सुने उसको प्रेडनिसोलोन, तो गलती से आप उस तरीके की मेडिसिन दे सकते हैं। या फिर अगर इन दोनों ड्रग की पैकेजिंग सेम है तो आपने ध्यान ना दिए उठा ली कोई भी ड्रग, हाँ यही पैकेजिंग है करके नाम नहीं पड़ा, तो उस कंडीशन में इरर हो सकता है। तो इस तरीके से प्रोडक्ट इरर हो सकता है। देन नेक्स्ट है सिमिलैरिटी पैकेजिंग। तो कोई मेडिसिन है जिसकी पैकेजिंग सेम है तो उस कंडीशन में इरर हो सकता है। देन नेक्स्ट है पुअर लेबलिंग बाय मैन्युफैक्चरर। तो कोई मैन्युफैक्चरर जिसने लेबलिंग ठीक तरीके से नहीं की है तो उस कंडीशन में आपसे गलती हो सकती है। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट इरर्स हो गए। देन नेक्स्ट है टीम। तो इसमें किस तरीके के इरर्स हो सकते हैं वो देखेंगे। इन एक्सपीरियंस स्टाफ। तो आपके फार्मेसी में इन एक्सपीरियंस स्टाफ हैं, उनकी वजह से इरर्स हो सकते हैं, वो प्रोटोकॉल्स को फॉलो ना करें तो उनकी वजह से फिर इरर्स हो सकता है। देन नेक्स्ट है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। आप प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हो आपके स्टाफ से हो या फिर जो पेशेंट है उनके साथ हो, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे तो उस कंडीशन में इरर हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है लॉस ऑफ कंसंट्रेशन। आपका ध्यान नहीं है काम में, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हो तो उस कंडीशन में इरर्स हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है हरिंग थ्रू टास्क। तो जो भी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास आई है उसको डिस्पेंस करने में आप जल्दबाजी कर रहे हो तो उस कंडीशन में भी गलती हो सकती है आपसे, तो इस तरीके के इरर्स हो सकते हैं। देन नेक्स्ट है टास्क। टास्क में किस तरीके के इरर्स होते हैं, सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स प्रिस्क्रिप्शन। तो जो आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आई है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उस कंडीशन में आपसे गलती हो सकती है। देन नेक्स्ट है इललेजिबल हैंडराइटिंग। तो इललेजिबल मतलब कैसे, वो प्रॉपरली लिखी नहीं गई है, प्रिस्क्रिप्शन सही तरीके से लिखी नहीं गई है तो उस कंडीशन में भी इरर्स हो सकते हैं, क्योंकि आपको समझ में ही नहीं आएंगे ना वो क्या लिखा है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा तो फिर आप कैसे डिस्पेंस कर पाओगे, तो इस कंडीशन में हो सकता है इरर्स। देन नेक्स्ट है केयरलेस चेकिंग। आप प्रॉपरली अगर चेक नहीं कर रहे हो प्रिस्क्रिप्शन को तो उस कंडीशन में भी इरर्स हो सकते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ कॉजेस हो गए डिस्पेंसिंग इरर्स के। देन नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ डिस्पेंसिंग इरर्स। कुछ टाइप्स होते हैं डिस्पेंसिंग इरर्स के, उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है कंटेंट इरर। तो सबसे पहला टाइप कौन सा है, कंटेंट एरर। कंटेंट एरर में क्या क्या होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहला है रॉन्ग मेडिसिन डिस्पेंस। आपने गलत मेडिसिन पेशेंट को दे दी, ये कंटेंट एरर में आता है। देन नेक्स्ट है रॉन्ग ड्रग स्ट्रेंथ डिस्पेंस। तो आपने जो स्ट्रेंथ है मेडिसिन की वो गलत दे दी। देन नेक्स्ट है रॉन्ग डोजेस फॉर्म डिस्पेंस। आपको डोजेस फॉर्म कुछ और देना था, आपने कुछ और दे दिया तो ये गलती हो सकती है। देन नेक्स्ट है एक्सपायर्ड मेडिसिन डिस्पेंस। आपने देखा नहीं प्रॉपरली एक्सपायर है कि नहीं और एक्सपायर्ड मेडिसिन पेशेंट को डिस्पेंस कर दिया, ये एक गलती हो सकती है। देन नेक्स्ट है रॉन्ग क्वांटिटी डिस्पेंस। आपने क्वांटिटी गलत डिस्पेंस कर दी, गलत क्वांटिटी में मेडिसिंस दे दी पेशेंट को, ये इस तरीके के इरर्स हो सकते हैं। इस तरीके के इरर्स कंटेंट एरर में आते हैं। देन नेक्स्ट है लेबलिंग एरर। लेबलिंग एरर किस तरीके से होता है वो देखेंगे। तो सबसे पहला है रॉन्ग पेशेंट नेम। आपने पेशेंट का नाम गलत लिख दिया, मतलब पेशेंट कोई और है और किसी और पेशेंट का नाम लिख दिया, ये एक गलती हो सकती है। देन नेक्स्ट है रॉन्ग मेडिसिन नेम। मेडिसिन का नाम आपने गलत लिख दिया, ये एक गलती हो सकती है। रॉन्ग मेडिसिन स्ट्रेंथ। तो लेबल पे आपने जो स्ट्रेंथ है वो गलत लिख दी। रॉन्ग फ्रिक्वेंसी, जो फ्रिक्वेंसी है वो रॉन्ग लिख दी। रॉन्ग डोजेस फॉर्म, डोजेस फॉर्म गलत है। रॉन्ग डेट, गलत डेट आपने लिख दी। रॉन्ग इंस्ट्रक्शन, आपने जो इंस्ट्रक्शन है उस मेडिकेशन के रिगार्डिंग वो गलत लिख दिया, उस कंडीशन में एरर होते हैं। देन नेक्स्ट है कम्प्लीटली रॉन्ग लेबल। तो आपने लेबल ही कम्प्लीटली रॉन्ग लगाया है कंटेनर पे। तो मतलब जैसे कोई मेडिसिन है, मेडिसिन तो दूसरी है पर आपने
जो लेबल है वो किसी और मेडिसिन का वहाँ पर चिपका दिया, तो ये एक गलती हो सकती है लेबलिंग एरर में। देन नेक्स्ट है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, तो आपने लेबल किया है प्रॉपरली पर वहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट है, मतलब सही पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर नहीं दी है। देन नेक्स्ट है अदर लेबलिंग एरर, या फिर कोई और दूसरे लेबलिंग एरर्स होते हैं, तो इस तरीके से ये हो गए लेबलिंग एरर्स। देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रैटेजीज टू मिनिमाइज डिस्पेंसिंग एरर्स, तो कुछ स्ट्रैटेजीज होती है जिनके थ्रू हम ये डिस्पेंसिंग एरर्स जो होते हैं इनको मिनिमाइज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो किस तरीके से कम कर सकते हैं, कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज हैं, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। फॉलोइंग आर सम स्ट्रैटेजीज टू मिनिमाइज डिस्पेंसिंग एरर्स, तो यहाँ पर हमें कुछ स्ट्रैटेजीज दी गई है जो कि डिस्पेंसिंग एरर्स को कम करते हैं। तो सबसे पहला है इंश्योर करेक्ट एंट्री ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन, तो आपको सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन देखनी है, आपको ये इंश्योर करना है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जो एंट्री की गई है वहाँ पर जो भी पेशेंट का नाम लिखा है, उनका एज लिखा है, या फिर जो भी मेडिसिन उनके डोज कितने देने हैं, उनकी क्वांटिटी स्ट्रेंथ पूरा सही तरीके से चेक करना है। ये इंश्योर करना है कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन है वो सही तरीके से लिखी है कि नहीं लिखी है। ट्रांसक्रिप्शन एरर्स आर कॉमन डिस्पेंसिंग एरर्स, तो ट्रांसक्रिप्शन एरर्स में मतलब किस तरीके के होते हैं, जो साइंस सिग्नेचर जो डायरेक्शन होती है पेशेंट्स के लिए उनमें ज़्यादातर गलती होती है। तो इस तरीके के जो एरर्स होते हैं इनके ऊपर आपको ध्यान देना है, इंश्योर करना है कि जो प्रिस्क्रिप्शन है वो सही तरीके से लिखी है कि नहीं लिखी है। देन नेक्स्ट है कन्फर्म दैट द प्रिस्क्रिप्शन इज़ करेक्ट एंड कम्प्लीट, तो आपको ये कन्फर्म करना है कि जो भी प्रिस्क्रिप्शन है वो कम्प्लीट और करेक्ट है कि नहीं है। ये आपको प्रॉपरली चेक करना है, पेशेंट का नाम, साथ में डॉक्टर का नाम, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर और सारी मेडिसिन, उनके डोजेस फॉर्म सही तरीके से वहाँ पर लिखे हैं कि नहीं, ये आपको सबसे पहले कन्फर्म करने हैं। स्क्रीन द प्रिस्क्रिप्शन प्रॉपरली एंड चेक कम्प्लीटनेस ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो स्क्रीन करना मतलब जो प्रिस्क्रिप्शन है वो पूरी तरीके से देखना, अच्छे से उनको स्क्रीन करना और उसकी कम्प्लीटनेस चेक करना, प्रिस्क्रिप्शन कम्प्लीट है कि नहीं ये चेक करना। देन नेक्स्ट है बी अवेयर ऑफ लुक लाइक साउंड लाइक ड्रग्स, तो जो लुक लाइक ड्रग होते हैं साउंड लाइक ड्रग होते हैं उनसे संभल के रहना है, बच के रहना है। मतलब किस तरीके से, जैसे एग्जाम्पल में प्रेडनिसोन प्रेडनिसोलोन है, आप इनकी स्पेलिंग देखिए ज़्यादातर सिमिलर है, और इनका अगर हम नाम भी ले तो प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन तो मतलब थोड़ा सिमिलर ही आता है। तो ऐसे जो ड्रग है उनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा गलती हो सकती है। ये दिखते भी सेम है और इनका साउंड जो है, इनका जब हम नाम लेते हैं तो वो भी सेम ही आता है। तो इस कंडीशन में वहाँ पर प्रॉपरली चेक करना है कि प्रेडनिसोन लिखा है या फिर प्रेडनिसोलोन लिखा है। There are some drugs which look similar and sound similar, so be aware of such drugs. तो कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जैसे डिक्सिन हो गया और डिजिटॉक्सिन हो गया, तो इस तरीके के ड्रग होते हैं, ये सिमिलर साउंड करते हैं और दिखते भी सिमिलर ही है, तो ऐसे ड्रग्स से आपको अवेयर रहना है, आपको प्रॉपरली चेक करने हैं। देन नेक्स्ट है Always careful with zeros and abbreviations. तो जो भी zeros है, जैसे 25 ml की जगह 250 ml लिख दिया गलती से, तो ऐसे condition में आपको वो properly check करना है, वो zeros हो गए या फिर जो भी abbreviation, abbreviation मतलब short forms वहाँ पर लिखे जाते हैं prescription में जो कि Latin होते हैं, Latin abbreviations use किए जाते हैं, Latin short forms लिखे जाते हैं, तो वो carefully आपको check करने हैं कि display zero, decimal points are कॉमन कॉज ऑफ मेडिकेशन एरर्स। तो जैसे मिसप्लेस जीरो हो गया, 25 ml का आपको देना है, वहाँ पर डॉक्टर ने गलती से 250 ml लिख दिया, तो आप 250 ml दे दोगे और फिर मेडिसिन का डोज ज़्यादा होने की वजह से उसके ऊपर रिएक्शन दिख जाएगी, तो ऐसे एरर्स हो सकते हैं। तो इसीलिए आपको जो जीरोज है या डेसिमल पॉइंट्स है उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है, केयरफुली चेक करना है, उसी के बाद आपको जो भी मेडिसिन है वो डिस्पेंस करना है। सो प्रॉपरली चेक द जीरोज एज वेल एज एब्रिवेशन, आपको प्रॉपरली एब्रिवेशन साथ में जीरोज भी सही से चेक करने हैं। देन नेक्स्ट है
रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन व्हेन पॉसिबल, तो आपको डिस्ट्रैक्शन रिड्यूस करने हैं। मल्टीटास्किंग एंड डिस्ट्रैक्टिंग ड्यूरिंग वर्क इज लीडिंग कॉज ऑफ डिस्पेंसिंग एरर, सो रिड्यूस डिस्ट्रैक्शन। तो मल्टीटास्किंग मतलब एक ज़्यादा काम करना, एक से ज़्यादा काम करना, जैसे आप फ़ोन पे बात कर रहे हो और साथ में मेडिसिन डिस्पेंस कर रहे हो, तो ऐसी चीज़ आपको नहीं करनी है। इसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, आपका कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पर नहीं रहता, इसकी वजह से फिर डिस्पेंसिंग एरर हो सकता है, इसीलिए डिस्ट्रैक्शन रिड्यूस करना है। देन नेक्स्ट है फोकस ऑन रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड बैलेंसिंग हेवी वर्कलोड्स। तो जो भी स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करना, इस पर ज़्यादातर ध्यान देना कि आप किस तरीके से अपना स्ट्रेस जो है या फिर जो वर्कलोड है वो रिड्यूस कर सकते हैं। सफिशियंट स्टाफ एंड अप्रोप्रिएट वर्कलोड विल हेल्प टू रिड्यूस एरर्स। तो आपके पास सफिशियंट स्टाफ होना चाहिए और अप्रोप्रिएट वर्कलोड, अगर आप जितना काम कर सकते हैं उतना काम आपके ऊपर है तो आप वो काम प्रॉपरली कर पाओगे, तो इसकी वजह से जो एरर्स है वो भी नहीं होंगे। तो इस तरीके से जो भी स्ट्रेस है या फिर वर्कलोड है वो किस तरीके से रिड्यूस होगा, इसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना है। देन नेक्स्ट है टेक टाइम टू स्टोर ड्रग्स प्रॉपरली। तो जब भी आप कोई भी ड्रग्स स्टोर कर रहे हो, शेल्स में स्टोर कर रहे हो, रख रहे हो, तो उसके ऊपर आपको अच्छे से ध्यान देना है कि आपने सही जगह पर स्टोर किया है कि नहीं किया है। तो इसके लिए आपको टाइम लेना है, मतलब थोड़ी देर देखना है वहाँ पर, प्रॉपरली देखना है कि सही यहाँ पर से ये निकाला था वहीं पर स्टोर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, स्टोरेज कंडीशन तो सही है, ये सब आपको चेक करना है। वन वे टू अवॉइड मिक्सअप ऑफ लुक लाइक ड्रग इज़ टू स्टोर देम अवे फ्रॉम ईच अदर इन द मेडिकेशन स्टोर एरिया। तो जैसे लुक लाइक ड्रग हो गए या फिर साउंड लाइक ड्रग हो गए, तो लुक लाइक मतलब जो सिमिलर पैकेजिंग है या फिर सिमिलर उनके नेम हैं, तो ऐसे ड्रग को क्या करना है, आपको जो एक ड्रग है वो दूसरे शेल में रखना है और दूसरा जो है वो दूसरे शेल में, मतलब एक दूसरे से दूर वो स्टोर करने हैं ताकि उनका मिक्सअप ना हो। तो इस तरीके से आप डिस्पेंसिंग एरर रिड्यूस कर सकते हैं। और जब भी आप स्टोर कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको अच्छे से चेक करना है कि आप सही ड्रग सही जगह पर स्टोर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। देन नेक्स्ट है ऑलवेज प्रोवाइड थ्रू पेशेंट काउंसलिंग। तो पेशेंट काउंसलिंग आपको करनी है, जब भी आप डिस्पेंसिंग कर रहे हो मेडिसिन तो आपको पेशेंट काउंसलिंग करनी है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोवाइड काउंसलिंग फॉर ईच पेशेंट। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप पेशेंट को काउंसलिंग करो, काउंसिल करो उनको, हर पेशेंट को काउंसलिंग दो, ताकि वो समझ पाए कि उस मेडिसिन का यूज़ किस तरीके से करना है, उनको पता रहे कि ये मेडिसिन लेने से क्या होगा। ये सब चीज़ें अगर उनको पता रहेगी तो वो अपने जो मेडिकेशन से है वो अधेयर रहेंगे, स्टिक रहेंगे, रेगुलरली लेंगे। तो इसीलिए आपको पेशेंट काउंसलिंग करनी है। तो इस तरीके से ये कुछ स्ट्रेटजीज है जिसके थ्रू हम डिस्पेंसिंग एरर्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।